हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। आज इस चैनल पर मैं जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वो सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है स्पेशली डेडिकेटेड है वोकैबुलरी के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज की डेट में दो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है वहाँ पर वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि वोकैबुलरी तो इतनी सारी है, तो कहाँ से याद करें, कितना याद करें और कैसे याद करें कि लंबे समय तक वो वोकैबुलरी आपको याद रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने आज एक वोकैबुलरी याद करी या आज आपने 10 वोकैबुलरी याद करी और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या होता है कि आप उसमें से ऑलमोस्ट भूल चुके होते हो। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आप उसे क्यों भूलते हो? तो बस इन्हीं रीज़न्स का पता करने के लिए और आपको इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन देने के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो वोकैबुलरी के लिए मोस्ट पॉपुलर बुक है कॉम्पिटिटिव के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। ये वाली जो बुक है जो रिटन बाय है नॉर्मन लुइस। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर इस पूरी बुक को मैं कराने वाला हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर और इसको ईजी बनाकर, क्योंकि इस बुक को क्या है, काफ़ी बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि पढ़ना कैसे है और इसको कैसे करना है, इसके अंदर है क्या, इसको कैसे याद करें। तो बस इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन लेकर मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, इसकी जो PDFs हैं मैं साथ ही साथ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय रोशन के नाम से ही, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मैं उसी चैनल पर सारी की सारी जो PDFs है टाइम टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप अच्छे से PDFs को पढ़िए, पूरे लेक्चर को अटेंड कीजिए और मैं आसान से आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको जो पूरी बुक है ये सॉल्व करा सकूं। और इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इस पूरी बुक को करने के बाद वोकैबुलरी में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का जाने वाला है और आपको कोई दिक्कत वोकैबुलरी में नहीं आने वाली। तो मैं आज जो कराने वाला हूँ, आज मैं इस बुक का वर्ड पावर मेड ईजी का मैं आपको कराने वाला हूँ सेशन 1, 2 एंड 3। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसान पड़े और आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है? तो पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट रूट्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब रूट्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये बुक इसी के बारे में है। रूट्स का क्या मतलब होता है, देखो रूट का मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी आप एक इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा फिलंथ्रोपिस्ट, आपने ये वर्ड पढ़ा, मैं आपसे पूछता हूँ इसका क्या मतलब है, तो हो सकता है कईयों को आप में से इसका मतलब मालूम हो और कईयों को ना मालूम हो, ठीक है? अब आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वर्ड के अंदर कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक वर्ड है फ्लेन, PHELEIN, ये एक रूट है, एक लैटिन रूट है ये, ठीक है? इसका मतलब होता है टू लव। और एक और रूट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपॉस, अभी आगे आप पढ़ोगे सारी चीज़ें, एंथ्रोपॉस। एंथ्रोपॉस का मतलब बेसिकली क्या होता है, एंथ्रोपॉस का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोपॉस का क्या मतलब होता है, ह्यूमन। और IST, IST बेसिकली क्या है, IST एक रूट नहीं है, ये एक सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ता है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो जैसे आप पढ़ते हो प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी मीनिंग को बदल देता है, ठीक है, या एक नई मीनिंग लेके आता है। तो ऐसी IST एक सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के अंदर जुड़कर उसको नाउन बनाने का काम करता है या एडजेक्टिव बनाने का काम करता है, बेसिकली एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। तो मैंने आपसे बोला फिलेन का मतलब है टू लव, एंथ्रोपॉस का मतलब है ह्यूमन, और IST लगने का मतलब है कि आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो, है ना? IST अगर आपने लगा दिया तो मतलब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो। अब इस वर्ड को देखो जरा, इस वर्ड के अंदर फिलेन से मिलकर क्या बना, देखो फिलेन जुड़ा हुआ है, प्लस में एंथ्रोपॉस भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और प्लस में इसमें IST जुड़ा हुआ है, तो फिलेंथ्रोपिस बन गया। तो आपको पता है फिलेन का मतलब टू लव, एंथ्रोपॉस का मतलब ह्यूमन, और IST का मतलब व्यक्ति जो कर रहा है, तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन यानी कि मानव जाति से क्या करे, प्यार करे, मानव जाति से प्रेम करने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये वर्ड आपके लिए याद करना आसान हो गया। अब आप देखोगे कि जिस वर्ड के अंदर, जिस भी इंग्लिश वर्ड के अंदर ये शब्द लगा होगा फिलेन, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वहां पर
टू लव, यानी कि लव करने की या लाइक करने की उसमें बात हो रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जिस वर्ड के अंदर एंथ्रोपॉस लगा होगा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है ना, एंथ्रोपोइड, और भी कई सारे वर्ड होते हैं, तो आप समझ जाओगे वहां पर ह्यूमन का, ह्यूमन रेस की बात हो रही है, मानव जाति की बात हो रही है। और जहां पर IST लगा होगा सफिक्स, वहां पर आप समझ जाओगे किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। सफिक्स आप समझ गए क्या होता है, जो वर्ड के एंड में जुड़ता है। और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के स्टार्ट में, यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में जुड़ता है। तो ये बुक इसी के बारे में है जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको रूट्स दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रीफिक्स दे रखे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको सफिक्स दे रखे हैं, और साथ में मैंने बता रखी है उनकी मीनिंग। तो पहले एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, फिर आगे इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं हम उनको देखेंगे। आराम आराम से आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहला जो एक रूट वर्ड है वो है ईगो। ईगो बेसिकली क्या, एक रूट है, ठीक है। ईगो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, आई। आई आई मतलब क्या होता है, मैं, है ना। ये एक रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है, मैं। अगर आप किसी को बोलते हो कि तेरे में बहुत ईगो है, तो आप उसे क्यों कह रहे हो कि तेरे में ईगो है, क्योंकि वो हर बात पे क्या करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, हर बात पे क्या करता है वो, मैं। यानी कि सेल्फ, सेल्फ यानी कि अपने आप को वो सबसे ऊपर रखता है, अपने आप को सबसे आगे रखता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या यूज़ करते हो कि भाई तेरे अंदर क्या है, ईगो है। तो ईगो बेसिकली क्या, एक रूट है। तो जिस वर्ड के अंदर ईगो लगा होगा, जैसे ईगोइस्ट है, देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, ईगो मेनियक, ईगो सेंट्रिक। तो ईगो से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि इन सब के अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, एक सेल्फ की या आई की। मतलब इन सब के अंदर एक आई का साउंड आ रहा है। मतलब अगर आप किसी को ईगोइस्ट कहते हो तो उसकी एक अलग मीनिंग आएगी, लेकिन आई के साथ उसकी मीनिंग जुड़ी होगी। ईगोटिस्ट कहते हो तो भी उसकी मीनिंग आई के साथ जुड़ी होगी। ईगो मेनियक कहते हो तो भी उसकी मीनिंग आई के साथ जुड़ी होगी। और ईगो सेंट्रिक कहते हो तो भी उसकी मीनिंग आई के साथ जुड़ी होगी, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, ईगो, ईगो, ईगो और ईगो। क्योंकि ईगो का मतलब क्या होता है, आई। ये या आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर, ALTER। ये भी एक रूट है। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। अदर का मतलब दूसरा। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। ऑल्टर से बनने वाले कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बने कैसे। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रूट, और उस रूट से बनने वाले कुछ पॉपुलर वर्ड्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं, और रूट की मीनिंग क्या है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे ऑल्टर है, ऑल्टर का मतलब क्या है, अदर। और ऑल्टर से बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन। अभी सबकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, और साथ में भी बताऊंगा कि ये वर्ड्स बने कैसे, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है मेनिया। मेनिया भी एक रूट है, ठीक है। मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन। मेनिया का क्या मतलब होता है, पागलपन। यानी कि जिस शब्द के अंदर भी मेनिया शब्द जुड़ा होगा, यानी कि मेनिया रूट जुड़ा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वहां पर किसी न किसी क्या हो रही है, पागलपन की बात हो रही है या क्रेजीनेस की बात हो रही है। जैसे मेनिया से बनने वाले कुछ शब्द है, लोगोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ईगोमेनियक, है ना। ये मेनिया से बनने वाले कुछ शब्द हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि इनकी क्या मीनिंग्स हैं। इंट्रो, इंट्रो भी एक रूट है। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, या इन वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है, अंदर की तरफ। जैसे इंट्रो से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे एक हो गया आपका इंट्रोवर्ट, एक हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जब आप अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर झांक कर, अंदर का मतलब इनवर्ड्स हो गया ना भाई। इंट्रो, इंट्रोस्पेक्शन में क्या जुड़ रहा है, इंट्रो, और इंट्रो एक रूट है, और इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड यानी इनवर्ड्स। तो जब आप अपने इनसाइड या अपने इनवर्ड्स झांक कर आप ये सोचने की कोशिश करते हो कि जो मैंने किया वो सही किया या नहीं किया, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मतलब जिसको बोलते हैं स्व अध्ययन, मतलब आप अपने आप का अध्ययन कर रहे हो, आप अपने बारे में पता कर रहे हो, आप बैठकर चीजों को सोच रहे हो अपने बारे में, अपने अंदर झांक रहे हो, तो उससे क्या बन गया आपका, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इंट्रोवर्ट के बारे में भी, आगे दे रखा है। ऐसे ही होता है एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो भी एक रूट है। एक्स्ट्रो का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। जैसे एक्स्ट्रो से बनने वाला क्या है, एक्स्ट्रोवर्ट है, एक वर्ड हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट। एमबी, एमबी एक रूट है। एमबी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों। एमबी का मतलब क्या होता है, दोनों,
ठीक है, जैसे एम बी से बनने वाले कुछ वर्ड है, एम बी वर्ट और एम बी डेक्स्ट्रस, ठीक है, एम बी वर्ट और एम बी, अभी सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे, आप टेंशन लो मत लो, अभी हम सारे वर्ड्स जो हैं पढ़ने वाले हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब है और कौन कौन से रूट्स को जोड़कर कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो बनने वाले हैं। इतना है कि इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आज आप बहुत सारे वर्ड्स जो हैं अपने साथ लेके जाने वाले हो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो पूरी वीडियो को बस आराम से देखते रहो और समझते रहो, ठीक है। तो एम बी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। वर्टो, वर्टो भी एक रूट है, वर्टो का मतलब होता है टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ा होना या घुमा होना, टर्न मतलब क्या होता है, घूम जाना या मुड़ जाना, ठीक है, टर्न होना यानी कि मुड़ जाना, जैसे मैं बोलता हूँ टर्न हो गया, तो टर्न का मतलब क्या है, मुड़ गया, ठीक है, मुड़ जाना या घूम जाना, टर्न हो जाना। उसके बाद एक और रूट है मिसेन, मिसेन का मतलब होता है, मिसेन भी एक रूट है, मिसेन का मतलब क्या होता है, हेट, टू हेट यानी कि नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट कह लो या क्या कह लो, डिसलाइक, एक रूट है जिसका मतलब क्या होता है, हेट। तो आप समझ गए कि जिस वर्ड के अंदर भी, जिस इंग्लिश वर्ड के अंदर मिसेन जुड़ रहा होगा, मिसेन आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उस वर्ड की जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगी, हेट से रिलेटेड होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिसेन का मतलब क्या हो गया, हेट, मिसेन से बनने वाले कुछ वर्ड है। अच्छा, मिसेन एग्जैक्ट वर्ड में नहीं लगता, मिसेन का क्या बन जाता है, जब आप इसको इंग्लिश वर्ड में यूज़ करते हो तो मिसेन का क्या बन जाता है, मिसो, क्या बन जाता है, मिसो, जैसे देखो मिसोलॉजी है ना, सॉरी सॉरी ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, जैसे मिसेन से बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मिसेंथ्रोप, ठीक है, मिसो भी हो सकता है या फिर मिसन भी हो सकता है, मिसो या मिसन, यानी कि जब आप मिसेन को इंग्लिश वर्ड में यूज़ करते हो तो या तो वो मिसो बनेगा या तो मिसन बनेगा। तो जैसे वर्ड क्या बना, मिसेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपॉस, एंथ्रोपॉस भी एक रूट है, एंथ्रोपॉस का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, मानव जाति। तो जिस शब्द के अंदर एंथ्रोपॉस जुड़ा होगा, जिस इंग्लिश वर्ड में, तो कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग क्या बन रही होगी, मानव जाति से रिलेटेड होगी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोइड है ना। आगे देखो गायनी, गायनी भी एक रूट है, गायनी भी एक रूट है, गायनी का मतलब क्या होता है, वुमन। तो जिस शब्द के अंदर भी गायनी जुड़ा होगा, जिस इंग्लिश शब्द के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, वुमन से संबंधित होगा, वो जो वर्ड होगा कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, वुमन से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट है ना, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट में क्या आ रहा है, गायनी आ रहा है ना। अब गायनी एग्जैक्ट तो आएगा ना इंग्लिश के वर्ड में, गायना आ सकता है, गायनी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, गायनी भी आ सकता है, मतलब गायनी या तो ये बनेगा, गायना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गायनी बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको देख कर ही पता लग जाएगा कि हाँ किससे बना, गायनी से बना, ठीक है, गायना या गायनी, या जिन्हें भी पढ़ते हैं इसको बेसिकली, जैसे मिसोजिनी, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, मिसोजिनी लिख देता हूँ यहाँ, मिसोजिनी, जैसे आप देखो मिसो, मिसो क्या है, मिसेन से बना है, मिसेन का मतलब क्या होता है, टू हेट, और ये जो गिनी है, मिसोजिनी, सॉरी मिसोजिनी, ये जो जिनी है ये किससे बना है, गायनी से बना है ना। तो इसमें दो रूट्स आ रहे हैं, एक मिसेन और एक गायनी, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, मिसोजिनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिसोजिनी वर्ड का मतलब क्या है, मिसोजिनी की इंग्लिश का वर्ड है, मिसोजिनी का क्या मतलब हो जाएगा, मिसोजिनी का मतलब हो जाएगा टू हेट वुमेन, मतलब औरतों से जो नफरत होती है, नफरत की जो भावना होती है उसे क्या बोलते हैं, मिसोजिनी, और जो करने वाला व्यक्ति है उसे क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट, क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे मिसोजिनिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था आईएसटी क्या करता है, एक सफिक्स है जो व्यक्ति को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, तो मिसोजिनिस्ट, ठीक है, इसमें एक मिसेन है, एक गायनी है और एक आईएसटी है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से क्या करता हो, नफरत करता हो या डिसलाइक करता हो महिलाओं को, आपको समझ में आ रहा है ना। आगे देखो अगला जो वर्ड है, जो रूट है वो है गेमोस, गेमोस का मतलब होता है मैरिज यानी कि शादी, इससे बनने वाले कुछ वर्ड हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मिसोगैमी, बाईगैमी, ठीक है, बाईगैमी, ये सारे किससे बनने वाले वर्ड्स हैं, गैमोस से बनने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप देख लो, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा के देखो तो ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अपने आप में। एक और रूट है हमारे पास एंड्रॉस, एंड्रॉस का मतलब क्या होता है, एक रूट है ये भी, एंड्रॉस का मतलब होता है मेल, ठीक है, इससे बनने वाला एक शब्द है पॉलीएंड्री, आगे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं।
अगला जो वर्ड है, ठीक है, अगला जो रूट है वो है एस्केटस। एस्केटस का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड, देखो एस्केटस लिखा है। अब इस एस्केटस का मतलब क्या होता है? ये भी एक रूट है। इसका मतलब होता है मंक। मंक मतलब क्या होता है? मंक मतलब होता है एक प्रकार का जो साधु होता है ना, साधु या सन्यासी टाइप जो होता है ना, साधु कह लो या क्या कह लो, सन्यासी, उसे बोलते हैं मंक। मंक माने साधु, ठीक है। एस्केटस एक रूट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सन्यासी या साधु, यानी कि मंक, ठीक है। इससे एक वर्ड बनता है एसेटिक। क्या वर्ड बनता है? एसेटिक। आगे देखो एक और रूट है हमारे पास, सेंट्रम, ठीक है। अभी सेंट्रम का क्या मतलब होता है? इस सेंट्रम का क्या मतलब होता है? सेंट्रम एक रूट है। सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर, यानी कि केंद्र, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। डेक्स्टर एक हमारे पास वर्ड है। अच्छा यहां मैंने लिखा है लैटिन रूट है ये, ठीक है। डेक्स्टर जो है ना एक रूट वर्ड है, लेकिन कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी? लैटिन से, यानी कि लैटिन रूट है बेसिकली ये। डेक्स्टर की जो मीनिंग होती है वो होती है राइट हैंड, यानी कि हमारा जो दाया हाथ होता है, हमारा क्या होता है? दाया हाथ, ठीक है। हमारे दाएं हाथ को हम क्या बोलते हैं? अगर आपको रूट वर्ड में दर्शाना हो तो हम बोलते हैं डेक्स्टर। डेक्स्टर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा दाया हाथ, ठीक है। और कैसा रूट है? ये लैटिन रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हमारे पास एक और रूट है, ड्रॉइट। ड्रॉइट जो है ना एक फ्रेंच रूट है, ठीक है। जैसे डेक्स्टर एक लैटिन रूट है, ड्रॉइट आपका एक फ्रेंच रूट है। ड्रॉइट का मतलब भी क्या होता है? राइट हैंड, यानी कि दाया हाथ, ठीक है। यानी कि डेक्स्टर का मतलब भी राइट हैंड और ड्रॉइट का मतलब भी राइट हैंड, लेकिन ये क्या है? एक लैटिन रूट है और एक फ्रेंच रूट है, ठीक है। इसकी जो मेन मीनिंग होती है वो क्या होती है? राइट हैंड, और दोनों की मतलब डेक्स्टर की भी और ड्रॉइट की भी। एक और हमारे पास रूट है सिनिस्टर। सिनिस्टर ये एक लैटिन रूट है। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, यानी कि हमारा बायां हाथ। और ऐसे होता है गौशे। गौशे का जो होता है ये भी एक फ्रेंच रूट है। इसका मीनिंग भी क्या होता है? लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ, यानी कि दोनों की मीनिंग बायां हाथ है। फर्क क्या है कि सिनिस्टर एक लैटिन रूट है और गौशे का एक फ्रेंच रूट है, ठीक है। अब इससे बनने वाले जो वर्ड्स है अभी हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड के अंदर। अगला जो रूट है वो है मोनोस। मोनोस का मतलब क्या होता है? मोनोस का मतलब होता है वन, यानी कि एक। तो जिस शब्द में मोनोस लगा होगा आप समझ जाओगे वहां पर किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। जैसे मोनोगेमी, मोनोपली, मोनोटोनस, मोनोक्रोमेटिक। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आप एक गाना गा रहे हो और गाने की पूरी जो टोन है ना वो एक ही जैसी है। नॉर्मल गाने में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है, सुर कभी ऊपर जाते हैं, सुर कभी नीचे आते हैं, आप अलग अलग तरीके से गाते हो। लेकिन अगर आप एक ही लय में, अगर आप एक ही टोन में अगर आप गाने को गा रहे हो या किसी कविता को गा रहे हो या किसी भी चीज़ को आप गुनगुना रहे हो एक ही टोन में, एक ही टोन मतलब, एक मतलब मोनो और टोन मतलब टोन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनस। यानी कि अगर आप बोलते हो ना कि ये मोनोटोनस हो गया, मतलब जो तुम गा रहे हो ये मोनोटोनस है, तो मोनोटोनस का बेसिकली क्या क्या मतलब हो गया? मोनोटोनस का मतलब हो गया कि ऐसा टोन जो कि एक ही जैसा है, जो कि क्या है? एक जैसा, ठीक है। आगे देखते हैं एक और बना, मोनो से वर्ड बना मोनोक्रोमेटिक। क्या बनता है? मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक के अंदर क्या आ रहा है? मोनोज। मोनोज का मतलब क्या होता है? एक। और क्रोमेटिक, क्रोम जहां पर जुड़ा हुआ आपको दिख जाए ना क्रोम, तो क्रोम का मतलब बेसिकली क्या होता है? कलर, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें एक ही कलर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मोनोस, मोनोक्रोमेटिक के अंदर मोनोज आ रहा है। मोनोज का मतलब क्या होता है? एक, वन। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसमें सिंगल कलर को यूज किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। आगे देखो अगला जो हमारे पास रूट है वो है बाय। बाय का मतलब क्या होता है? दो।
मोनोज का मतलब एक और बाय का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, बाय से बनने वाले कुछ वर्ड हैं जैसे बायगेमी, बाय एनुअल, बाइनियल, बाइलेटरल। अब बायगेमी तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं ये समझाता हूँ आपको बाय एनुअल क्या होता है। बाय एनुअल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट जो 2 साल में एक बार होता है। जैसे आपको पता है कोई भी ऐसा इवेंट जो हर साल होता है, साल में एक बार होता है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो एनुअल, है ना। एक ऐसा इवेंट जो साल में एक बार होता है उसे आप बोलते हो एनुअल। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो 2 साल में एक बार होता है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो बाय एनुअल। तो इसके अंदर बाय आ रहा है ना, तो बाय से आप समझ गए कि 2 साल में एक बार होने वाला। ठीक है, एक और वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, लिख देता हूं मैं यहां पर, बाइनियल। देखो इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है, लिखते रहना आपको साथ साथ में। देखो बाय एनुअल यहां पर क्या आ रहा है? बाय, ठीक है, बाय एनुअल। बाय एनुअल का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार होने वाला। लेकिन जो बाइनियल है, इस बाइनियल का क्या मतलब होता है? बाइनियल इसमें भी बाय आ रहा है ना, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग भी किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है। इस बाय का क्या मतलब होता है? देखो यह है बाय एनुअल और यह है बाइनियल। बाय एनुअल मतलब जो 2 साल में एक बार हो, और बाइनियल का मतलब जो 1 साल में 2 बार हो। ठीक है, लिख लेना आपको इसको, 1 साल में 2 बार, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बाइनियल। कोई ऐसा इवेंट है जो 1 साल में 2 बार हो रहा है तो आप उस इवेंट को क्या बोलोगे? बाइनियल। और कोई ऐसा इवेंट जो 2 साल में एक बार हो रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे बाय एनुअल। ठीक है, ये फर्क है। अब दोनों में बाय आ रहा है तो बाय का मतलब दो तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक होता है बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? द्विभाषी, यानी कि 2 भाषाओं में। जैसे किसी बुक के लिए लिखा रहता है ना ऊपर कि दिस बुक इज बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल के अंदर बाय आ रहा है, तो बाय का मतलब दो है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विभाषी। ठीक है, तो जहां पर भी बाय लगा हो आप समझ जाना कि वहां पर दो की बात हो रही है। अगला जो है, अगला वर्ड है आपका, जो रूट है आपका, वो है पॉलीज। पॉलीज भी एक रूट है। पॉलीज का मतलब होता है मैनी। देखो मोनोज का मतलब एक, बाय का मतलब दो, और पॉलीज का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब आप कह सकते हो 2 से ज्यादा। ठीक है, जैसे मैनी होता है ना, इसका मतलब, इसे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जैसे पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगन, पॉलीग्लॉट। ये सारे वर्ड हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक बताता हूँ मैं आपको, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट के अंदर क्या आ रहा है? पॉली आ रहा है। पॉली किससे बना है? पॉलीज से, और पॉलीज का मतलब क्या होता है? मैनी। तो पॉलीग्लॉट की जो मीनिंग होती है वो आपको लिख लेना है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है अ मैन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अ मैन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसको कई सारी भाषाओं का क्या होता है? ज्ञान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। क्योंकि पॉलीग्लॉट के अंदर क्या आ रहा है? पॉली। पॉली किससे बना है? पॉलीज से, और पॉलीज का मतलब क्या होता है? मैनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पॉलीगन, पता होगा आपको मैथ्स में आप पढ़ते हो, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज का मतलब कोई ऐसा फिगर जिसमें भुजाएं हों 2 से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन किससे बना है? पॉली। पॉली किससे बना है? पॉलीज। पॉलीज का मतलब मैनी। तो पॉलीगन का मतलब क्या हो जाएगा? बहुभुज। ठीक है, अब यहां तक तो हमने अभी पढ़ा रूट्स। अब एक होता है सफिक्स, IST, जिसके बारे में भी जिक्र कर रहा था मैं आपसे। ये एक नाउन सफिक्स होता है, मतलब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IST लग रहा है तो आप ये समझ जाना कि वो क्या बन रहा है? एक नाउन बन रहा है। और IST क्या? एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब कहां पर लगता है? वर्ब के लास्ट में। ठीक है, जैसे कुछ, अच्छा इसका मतलब क्या बन जाता है? पर्सन, यानी कि व्यक्ति। क्या बन जाता है इसका मतलब? पर्सन। जैसे पर्सन बन जाएगा, या फिर ये कह लो कि नाउन बन जाएगा। जैसे वैनिटी, वैनिटी में क्या आ रहा है? एक सेकंड, ये IT वाले वाले मैंने यहां लिख दिए, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये IT वाला, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, IST वाला अलग है। जैसे मैंने अभी लिखा था फिलेंथ्रोपिस्ट, पर्सन का मतलब बताया ना मैंने, जैसे मैंने लिखा था फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट। ठीक है, या फिर क्या हो गया? केमिस्ट। इन सब में क्या लग रहा है? IST, इसका मतलब पर्सन की बात हो रही है, और ये सारे के सारे क्या है? नाउन। ये आपको ध्यान रखना है, सफिक्स है। उसके बाद OUS, ये भी एक क्या है? सफिक्स है, लेकिन ये किसी वर्ड को क्या बनाता है? एडजेक्टिव बनाता है। वर्ड को क्या बनाता है? एडजेक्टिव। जैसे इससे बनने वाले कुछ वर्ड है जैसे फेमस, लास्ट में OUS आ रहा है। डेंजरस, क्या बोला मैंने? डेंजरस। आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला फेमस,
मैंने बोला डेंजरस, ठीक है, और इसके अलावा मैंने बोला पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? घातक, खतरनाक। तो आप देखो, सब मैं कह रहा हूँ ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, ये भी क्या एक सफिक्स है, और ये वर्ड को क्या बनाता है? एडजेक्टिव। तो सारे के सारे क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेमस, डेंजरस, पेरिलस। उसके बाद है हमारा आई टी वाई। आई टी वाई भी क्या एक सफिक्स है, और ये वर्ड को क्या बनाता है? ये आपके वर्ड को बनाता है नाउन, ठीक है। इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखना आपको। जैसे मैंने लिखा वैनिटी, ठीक है, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी। तो आप क्या देख रहे हो? सबके लास्ट में क्या रहा? आई टी वाई, आई टी वाई, आई टी वाई। तो ये भी क्या एक सफिक्स है जो किसी वर्ड को क्या बनाता है? नाउन। तो तीनों के तीनों क्या काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ रूट्स के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ना अच्छे से पॉज करके वीडियो को, जितने भी रूट्स हैं आप उसको एक बार दोबारा से देख लो जो अभी तक मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं वर्ड्स जो हम इन रूट्स की मदद से बना सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, और अगर आपने ये रूट्स देख लिया, अगर आपको ये अभी के अभी याद हो गया, तो आगे की वीडियो देखने से पहले आप इसको याद कर लो अभी, क्योंकि जब मैं आगे आप वर्ड्स कराने वाला हूँ तो वो करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्ट आपको आने वाला है। तो आप पहले वीडियो को बैक करके, पॉज कर करके, जितने भी मैंने अभी तक आपको रूट्स या सफिक्स कराए आप उसको एक बार देख लो, और उसको एक बार अभी याद करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम करने वाले हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, इन्हीं मतलब जो अभी तक आपने रूट्स पढ़ा ना, और जो आपने सफिक्सेस पढ़े उनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, तो उनके बारे में अगर आपको बताना है तो आप कैसे बात करोगे? कौन कौन से लोग होते हैं, कैसी कैसी पर्सनैलिटी होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं, और ये भी पता करते हैं कि वो जो वर्ड्स हैं वो बने कैसे हैं, कौन सा रूट उसमें हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है इंग्लिश का, वो है इगोइस्ट। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि इगोइस्ट में आपको क्या दिख रहा है? ईगो, और साथ में क्या दिख रहा है? आई एस टी। मैंने कहा ना वीडियो को पॉज करके पहले देख लो। ईगो का मतलब क्या होता है? आई। ईगो एक रूट है, इसका मतलब होता है आई, और आई एस टी किसको दिखा रहा होता है? पर्सन को, व्यक्ति को। यानी कि अगर मैं एक वर्ड बना रहा हूँ ईगोइस्ट, जिसमें ईगो आ रहा है और आई एस टी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पर्सन जो हर बात पे क्या बोलता है? आई। हर चीज़ में क्या करता है? आई। मतलब हर काम में अपने आप को पहले आगे रखे कि पहले मैं करूँगा, पहले मैं जाऊँगा, पहले मुझे मिलना चाहिए, पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं बोलूँगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हो जो कि बेसिकली क्या है? स्वार्थी। जो कि क्या है? स्वार्थी, यानी कि आप कह सकते हो सेल्फिश, क्योंकि सेल्फिश का मतलब ही होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में अपने आप को आगे रखे, चाहे दूसरों को उससे फ़ायदा हो या नुकसान हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट बोलते हैं। कैसे बना ये? ईगो प्लस आई एस टी। इसकी मीनिंग देखो क्या है? एवरी डिसीजन यू मेक, एक ईगोइस्ट व्यक्ति अगर आप हो, अगर आप एक ईगोइस्ट व्यक्ति हो, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी डिसीजन यू मेक, कि जो भी डिसीजन तुम करते हो इज़ बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। तो तुम्हारा जो डिसीजन है ना, वो एक ही क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर तुम कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा। यानी कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरा इसमें क्या है। यानी कि आप क्या हो गए? आप हो गए सेल्फिश। आपको पता है कि उससे आपका फ़ायदा है, हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे लोगों का फ़ायदा है, तो आप उस काम को नहीं करोगे अगर आप एक सेल्फिश हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना है? अपना फ़ायदा। तो ऐसे अगर आप व्यक्ति हो कि आप हर चीज़ में क्या ढूंढते हो, एक प्रश्न का आंसर ढूंढते हो कि भाई मेरे लिए क्या है, तो आप एक क्या हो? इगोइस्ट हो। या फिर कह सकते हैं अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति प्री ऑक्यूपाइड, जो पूरी तरीके से व्यस्त है विद हिज और हर ओन इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही इंटरेस्ट को लेकर, मतलब अपनी ही बातों को लेकर पूरा खोया हुआ है, और किसी में ध्यान ही नहीं है उसका, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या अपनी वो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, किसने अपना क्या ओपिनियन रखा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपने अपना ओपिनियन रख दिया, आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया, बस आपका काम खत्म, सामने वाले का इंटरेस्ट आपको सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक इगोइस्ट हो। या फिर अगर आप सेल्फिश हो, सेल्फिश मैंने आपको बता दिया,
या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं कि आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन एन इगोइस्ट माइंड. एक इगोइस्ट पर्सन का जो दिमाग होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न, जो सबसे बड़ी चिंता होती है उस व्यक्ति की, वो क्या होती है? आई. आई का मतलब मेरा क्या, मुझे क्या, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या लाभ. तो आई उसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा कंसर्न होता है. तो इससे बन गया इगोइस्ट. एक और वर्ड है इगोटिस्ट. ये भी सिमिलर है इगोइस्ट के. क्या है ये? सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क आपको ध्यान रखना है. फर्क ये है कि देखो, इगोइस्ट व्यक्ति तो आपको पता लग गया कौन होता है. अब जरूरी नहीं होता कि जो इगोइस्ट होता है ना, वो हर बात में बोले भी आगे बढ़कर कि मैं ये, मैं वो, मेरे पास इतना, मेरे पास उतना. मतलब होता वो स्वार्थी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो आगे से आपको आपको आगे से आकर आपको बताएगा कि मैं स्वार्थी हूँ या मैं ये, मैं वो. लेकिन जो इगोटिस्ट होता है ना, इसमें खास बात ये होती है कि होता तो ये भी स्वार्थी है इगोइस्ट की तरह, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि इसके बोलने से ही पता लग जाएगा कि ये बंदा क्या है, इगोटिस्ट है. क्योंकि हर बात में ना बोलता है. बेसिकली क्या होता है, देखो क्या लिखा है मैंने, अ कंसीटेड का मतलब घमंडी, बोस्टफुल पर्सन. बोस्ट का मतलब डींगे मारने वाला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति ना जो डींगे मारता है बड़ा चढ़ा के. किसके बारे में? अपने बारे में, कि मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं डिसीजन लेता हूँ, अरे मैं करके दिखाता हूँ, अरे मेरी सुनो, अरे मेरे से राय लो, अरे मैं तुम्हें बताता. मतलब हर बात में क्या बोलेगा, मैं बोलता रहेगा, डींगे मारेगा बड़ी बड़ी. तो ये क्या है बेसिकली, ये बातों बातों में भी दिख जाएगा तुम्हें. लेकिन इगोइस्ट जो होता है वो होता है स्वार्थी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें बातों से पता लग जाए कि वो इगोइस्ट है. तो बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है. बाकी दोनों का मतलब ही सेम होता है, स्वार्थी जो केवल आई को सबसे ऊपर रखे. ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये बोलने से पता लग जाएगा तुम्हें क्योंकि बार बार बोलता है. या फिर क्या लिखा, ऑब्सेस्ड है विद द वर्ड आई. एक ऐसा व्यक्ति जो, ये जो वर्ड है ना आई, यानी कि ईगो का मतलब आई, इस वर्ड से ना कोई व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो चुका है. ऑब्सेस्ड का मतलब पूरा पागल हो चुका है, मतलब हर बात को उसको आई तो यूज करना ही है. कि जैसे आई नो एवरीथिंग, कि मैं सब जानता हूँ, आई एम एक्सपर्ट, कि मैं एक्सपर्ट हूँ. तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? इगोटिस्ट बोलोगे. ठीक है, अगला जो वर्ड है ईगो सेंट्रिक. ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, ईगो और सेंट्रम. अभी आपने पीछे पढ़ा, आप बैक जाकर देख सकते हो. ईगो का मतलब होता है आई और सेंट्रम का मतलब क्या होता है? सेंटर. अभी आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है. सेंटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति. आप देखो, मैं आपको बताता हूँ. देखो, ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? ईगो का मतलब आई और सेंटर का मतलब सेंटर. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आई को लेकर, यानी कि अपने आप को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि वो पता क्या बोलता है. वो बोलता है कि जो मैं हूँ ना, मैं यानी कि आई, वो क्या हूँ? सेंटर में, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में मैं ही हूँ. मतलब सोच रहे हो कितना एक्सट्रीम लेवल का है. मतलब आप अपने सेल्फ लव को, या आपने अपने ये जो आई वाली बात है कि आई, ये मतलब आई नो एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, आई एम एक्सपर्ट, आप इस चीज़ को इस हद तक ले गए कि आपने क्या बोला कि इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर में मैं हूँ, यानी कि ईगो सेंट्रिक. तो अगर आप किसी व्यक्ति को ईगो सेंट्रिक कहते हो ना, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को क्या मानता है? संसार का केंद्र बिंदु. मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि मैं पूरे संसार का केंद्र हूँ, पूरा संसार मुझसे है और मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है. है ना, देखो डेफिनेशन क्या है. वन हु कंसिडर्स वन सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मान लेता है. ये क्या लिखा? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट. ये भी एक तरह का इगोइस्ट है, लेकिन इगोइस्ट का क्या है? ये एक्सट्रीम फॉर्म. एक्सट्रीम मतलब बहुत बढ़ चढ़कर आपने अपने आप को इगोइस्ट बना लिया है. क्यों? क्योंकि आप क्या बना रहे हो अपने आप को? आप अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मान रहे हो. तो आप इगोइस्ट तो हो, लेकिन बहुत बड़े वाले. या फिर कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड. इसकी मीनिंग होती है जो अपने आप को लेकर क्या है? केंद्रित है. केवल अपने बारे में सारी चीज़ें सोचता है, अपने बारे में सारी चीज़ बात करता है. सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है. ये बड़ा अच्छा वर्ड है. नार्सिसिस्ट का मतलब भी वही व्यक्ति होता है जो अपनी तारीफें करता रहे, अपने बारे में बोलता रहे और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग जाए, अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लग जाए. ठीक है, फिर एक वर्ड, एक और वर्ड बनता है ईगो से, ईगो मैनियक. ये दो वर्ड को जोड़कर बनता है ईगो. ईगो माने आई, और अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया, जाकर देखना आप. मेनिया, मेनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस. अभी हम पीछे पढ़ रहे थे. मतलब ये जो है ना, ये तो और भी ज़्यादा होता है एक्सट्रीम. मतलब ईगो सेंट्रिक से भी ज़्यादा एक्सट्रीम, और इतना एक्सट्रीम होता है कि ये तो भैया खतरनाक हो जाता है. अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो ईगो मैनियक, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए या अपने आप को समाज के सामने लाने के लिए, कुछ लोग होते हैं ना बड़े पागल होते हैं, वो अटेंशन चाहते हैं कि सब मुझे देखें, सब मेरी बात सुने, जो मैं बोल रहा हूँ सब वो देखें, सब मेरे ऊपर ध्यान दें. मतलब और कुछ ना देखें, बस मेरे को ही देखें, मेरे को ही सुने. तो ऐसे लोग होते हैं ईगो मैनियक. और ऐसे लोग, मैं आपको बता दूँ, अटेंशन के लिए या अपने आप को लोगों के सामने पेश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गलत कदम भी उठा सकते हैं, इवन
एक क्राइम तक भी कर सकते हैं। इसीलिए जो ईगो मैनियक होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हत्या तक कर सकता है, जो किसी अपराध को अंजाम तक दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या बोलते हो? ईगो मैनियक। ठीक है, यू कैरी इगोइज्म, आप इगोइज्म को ले जाते हो टू सच एन एक्सट्रीम, इतने एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो दैट योर नीड्स, कि तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं, डिजायर्स, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं एंड इंटरेस्ट, तुम्हारा जो इंटरेस्ट हैव बिकम, वो बन चुका है, मतलब तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो जरूरत है ना, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो क्या बन चुका है? मॉर्बिड ऑब्सेशन बन चुका है तुम्हारे लिए। ऑब्सेशन का मतलब एक ऐसी चीज जिसको तुम्हें पाना ही है, तुम्हें करना है तो मतलब करना है। मॉर्बिड का मतलब खतरनाक है ना, जानलेवा, या फिर कह सकते हो एन ईगो मैनिएक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। जो ईगो मैनिएक व्यक्ति होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है भैया? मैड होता है, यानी कि पागल होता है, और थोड़ा खतरनाक भी होता है। तो सारे के सारे ईगो से बने हुए वर्ड है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो और आप देखो और समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। तो ईगो से बनने वाले सारे जो वर्ड्स हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है ऑल्ट्रिस्ट। ये किससे बना है? एक बना है आपका ऑल्टर, ऑल्टर एक आपको पता है रूट है, अभी हमने पढ़ा था पीछे। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। और इसके अंदर क्या जुड़ रहा है? आई एस टी। अभी मैंने आपको बताया कि आई एस टी एक सफिक्स है जो क्या बनाता है? नाउन बनाता है, यानी कि किसकी बात हो रही होती है? पर्सन की। ठीक है, तो ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन। देखो पर्सन क्यों है? क्योंकि आई एस टी लग रहा है ना। अ पर्सन अनसेल्फिशली, जो बिना सेल्फिश मोटिव के, मतलब जो अपने बारे में सोचे बिना, कंसर्न्ड फॉर, जो चिंता करता है, और डिवोटेड, या जिसने समर्पित कर दिया है अपने आप को टू द वेलफेयर, यानी कि भलाई ऑफ अदर्स। देखो अदर्स, आपको पता है ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। तो ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या हो गया? ये जो वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? जो अदर यानी कि दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करता है वो व्यक्ति, व्यक्ति माने आई एस टी, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रिस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं परोपकारी। ठीक है, परोपकारी। अ पर्सन अनसेल्फिशली, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अपने सेल्फिश मोटिव के, बिना कंसर्न, जो चिंतित है फॉर और डिवोटेड टू, या जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए, या फिर कह सकते हो वन, एक ऐसा व्यक्ति हु नेवर, नेवर दो बार लिख दिया मैंने, हु नेवर माइंड्स, जो कभी चिंता नहीं करता इस बात की, वंस ओन इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने इंटरेस्ट के बारे में चिंता नहीं करता कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर, मुझे क्या लाभ मिलेगा, अपने बारे में कभी नहीं सोचता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। दूसरा मतलब ऑल्टर, तो दूसरों के बारे में सोचने वाला क्या बन गया? ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, या फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ ऑल्ट्रिज्म, तो इसमें क्या लग रहा है? आई एस एम, मतलब है तो सही ऑल्टर से ही बनने वाला, लेकिन इसमें क्या बन रहा है? आई एस एम लग रहा है। तो ये क्या बन गई? ये बन गई फिलोसफी, यानी कि विचारधारा, मतलब जिस विचारधारा को ऑल्ट्रिस्ट लोग फॉलो करते हैं उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रिज्म। विचारधारा को क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रिज्म। और उस विचारधारा को फॉलो करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय ऑल्ट्रिस्ट, वो फिलोसफी जो ऑल्ट्रिस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑल्ट्रिज्म, और करने वाले को ऑल्ट्रिस्ट। अगला इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट दो शब्दों, दो रूट्स को मिलाकर बना है। एक इंट्रो, इंट्रो का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या था? इनवर्ड्स, हमने पढ़ा था अभी। इनवर्ड्स का मतलब अंतर, अंदर की तरफ या अंदर। और वर्टो का मतलब क्या होता है? ये भी एक रूट है, मैंने पीछे पढ़ा अभी। वर्टो का मतलब टर्न, यानी कि अगर आपके थॉट्स अंदर की तरफ, यानी कि आपके अंदर ही अंदर टर्न हो चुके हैं, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो अंदर टर्न हुए पड़े हैं। अब अंदर टर्न होने का मतलब क्या है? कि आप अपने थॉट्स को ना बाहर नहीं रख पा रहे, वो अंदर ही अंदर टर्न हुए पड़े हैं, मतलब आपके अंदर ही है, आप उसे बाहर नहीं रख पा रहे, आप दूसरों के सामने बोल नहीं पा रहे। ठीक है, तो आप एक तरह के क्या हो? इंट्रोवर्ट हो। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, जरा देखो। वन हुज थॉट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार टर्नड इनवर्ड्स, टर्नड इनवर्ड्स। टर्न मतलब, टर्न का मतलब क्या होता है? वर्टो। और इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इंट्रो, इंट्रो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स हमेशा इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ टर्न है, यानी कि अपने थॉट्स को बाहर रख नहीं पा रहा है, वो अंदर ही अंदर है उसके थॉट्स, कैन बी कॉल्ड एन इंट्रोवर्ट, तो उसे आप इंट्रोवर्ट कह सकते हो। या फिर वन हु प्रेफर्स सॉलिट्यूड, एक ऐसा व्यक्ति जो सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अकेलापन,
एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलेपन को ज्यादा प्रेफर करता है, अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करता है, या फिर कह सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सामने बात रखने से या दूसरों के सामने बोलने से या घुलने मिलने से ना थोड़ा घबराता है, अंदर ही अंदर ये सोचता रहता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई हंसेगा तो नहीं, मैं बेकार तो नहीं लग रहा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। और आपको यही नहीं पता कि जितना आप सोच रहे हो सामने वाला उतना ध्यान देता भी नहीं आपके ऊपर, लेकिन आप तो सोच रहे हो ना, आपके जो थॉट्स हैं वो क्या है, इनवर्ट्स हैं, टर्न हुए पड़े हैं, तो आप पे क्या हो, इंट्रोवर्ट हो, खुलकर बात नहीं कर पा रहे, पार्टी में जा रहे हो तो अलग अलग घूम रहे हो, मतलब स्टेज पे चढ़कर बोलने में तो और भी आपकी हिम्मत नहीं हो पाती, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं वो टर्न यानी कि वर्टो है कहाँ, इंट्रो यानी कि अंदर की तरफ। अब इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रो भी दो से बना, दो रूट से, एक्स्ट्रो यानी कि आउटवर्ड्स, पीछे पढ़ा था हमने अभी, और वर्टो मतलब वही टर्न। तो अगर आपके थॉट्स बाहर की तरफ टर्न्ड है, मतलब आप बिल्कुल खुले विचारों के हो, अकेला रहना आपको पसंद नहीं है, आप खुलकर रहते हो, आप किसी पार्टी की जान हो, आप पार्टी में खुलकर बोलते हो, दोस्त यारों में हंसी मजाक खुलकर करते हो, अनजान लोगों से भी मिलते हो तो अपनी बात रखने से घबराते नहीं हो, चाहे स्टेज पे चढ़ जाओ या पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो आप बिल्कुल भी घबराते नहीं, आप खुल के अपनी बात रखते हो, आप खुल के जीते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो, यानी कि अपने विचारों को बाहर की तरफ आप क्या करते हो, टर्न करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रोवर्ट। आप क्या हो, एक एक्स्ट्रोवर्ट हो। मीनिंग देखो, वन हुज थॉट्स, जिसके विचार आर कॉन्स्टेंटली टर्न्ड आउटवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार लगातार बाहर की तरफ क्या है, टर्न्ड है, यानी कि बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, कैन बी कॉल्ड, उसे हम कह सकते हैं एक्स्ट्रोवर्ट। या फिर वन हु लव्स टू बी विथ पीपल, जिसे लोगों के साथ रहना पसंद हो, अकेले रहना पसंद ना हो। हु इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, जिसके अंदर हाई स्पिरिट यानी कि हमेशा वो जोश में रहता हो, एंड यूजुअली हैप्पी, और खुश रहता हो अक्सर वो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्बीवर्ट। अभी हमने पढ़ा था पीछे रूट में, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और वर्टो का मतलब वही टर्न, यानी कि अगर आपके विचार बोथ यानी कि दोनों तरीके से टर्न है, इनवर्ट्स भी हैं और आउटवर्ड्स भी हैं, मतलब कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार अकेले रहूं, किसी से बात ना करूं, या आपका मन नहीं करता जाने का कहीं, या लोगों में घुलने मिलने का, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप घुलते मिलते हो, आप खुलकर बात करते हो, आप पार्टी में जाते हो, पार्टीज करते हो, तो मतलब दोनों तरह के इंसान हो आप, मतलब किसी किसी जगह आप घबरा जाते हो लेकिन किसी किसी जगह आप खुल के बात करते हो, तो आप दोनों तरह के विचार रख रहे हो, कभी आपके विचार इनवर्ड्स हैं, कभी आपके विचार क्या है, आउटवर्ड्स हैं। तो एमबी का मतलब बोथ, वर्टो का मतलब टर्न, तो आपके विचार दोनों तरफ टर्न्ड है, इनवर्ड्स भी और आउटवर्ड्स भी, तो आप कैसे इंसान हो, आप एक तरह के क्या हो, एम्बीवर्ट हो, ठीक है। मीनिंग क्या है, वन हु हैज बोथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर है दोनों इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज, टेंडेंसीज का मतलब प्रवृत्ति, एक व्यक्ति जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों तरह की प्रवृत्ति हो, मतलब कभी कभी वो इंट्रोवर्ट होता है, कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, किसी माहौल में वो इंट्रोवर्ट होता है, किसी माहौल में एक्सट्रोवर्ट होता है, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन, किसी ओकेजन पे आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो और किसी ओकेजन पे आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे एम्बीवर्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अभी वही चल रहा है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। अगला हमारा जो पर्सनैलिटी टाइप है वो है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप भी दो रूट्स को मिलाकर बना है, एक मिसेन, अभी मैंने पीछे बताया आपको इसका मीनिंग क्या होता है, टू हेट, और एक एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। अब आप खुद बताओ, अगर मैं मिसेन और एंथ्रोपोस को जोड़ रहा हूँ, यानी कि टू हेट और ह्यूमन को जोड़ रहा हूँ, तो इसकी मीनिंग क्या बनी, मिसेंथ्रोप का मतलब क्या बना, एक व्यक्ति जो ह्यूमन से यानी कि इंसानों से क्या करता हो, नफरत करता हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे कहते हैं कि हर इंसान, मतलब हर इंसान के ऊपर शक करता है, वो हर इंसान को बेकार बताता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मानव जाति धरती पर कलंक है, या मानव जाति बेकार है, या एक व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर डाउट करता है, पूरी मानव जाति को बेकार बताता है, पूरी मानव जाति से नफरत करता है, तो ऐसे इंसानों को हम क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप। मिसेन का मतलब टू हेट और एंथ्रोपोस का मतलब ह्यूमन। मीनिंग क्या है, देखो, सिनिकल, सिनिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, जो हमेशा डाउट में रहता है। सस्पिशियस का मतलब भी सेम है। एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का मतलब जो जिसके मन में कड़वाहट भरी हुई है। या फिर यू हेट एवरी वन, आप हर किसी से नफरत करते हो, हर इंसान से नफरत करते हो। या वन हु डज नॉट लाइक, हु डज नॉट लाइक, वन हु डज नॉट लाइक अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे इंसानों को पसंद ना करता हो, ठीक है। या फिर वन
हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से क्या करता हो, नफरत करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मिसेंथ्रोप। ठीक है, अगला मिसोजिनिस्ट, ये भी दो रूट से बना है। मिसो मतलब क्या है, मिसेन, मिसेन से क्या बन जाता है, मिसो, पीछे बताया था अभी मैंने। और गायनी, गायनी मतलब क्या होता है, वुमन, अभी ये भी पीछे बताया था मैंने आपको। और देखो एक क्या लगा इसके अंदर, आईएसटी भी लगा है, तो मैंने बताया था आईएसटी का मतलब क्या होता है, पर्सन। ठीक है, आईएसटी का मतलब पर्सन, यानी कि नाउन बन जाता है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हो गया, मिसोजिनिस्ट में एक मिसेन आ रहा है, एक गायनी आ रहा है, एक आईएसटी आ रहा है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गायनी यानी कि वुमेन से क्या करे, हेट करे, तो उसको क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट। क्या लिखा है, यू हेट या डिसलाइक ऑल वुमेन, अगर तुम सारी औरतों को डिसलाइक करते हो या नफरत करते हो तो तुम एक क्या हो, मिसोजिनिस्ट हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपने जोक्स में या कभी कभी क्या करते हैं, औरतों को लेकर जोक कर देते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं तो लोग उनके ऊपर केस कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो कमेंट है ना ये क्या है, ये मिसोजिनिस्ट कमेंट है। क्या ये मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का मतलब औरतों के खिलाफ है, ये औरतों के अगेंस्ट है, ये औरतों के हेट में बोला गया है, औरतों को नफरत करके बोला गया है, ये औरतों को बेकार बताया गया, तो उसको बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। ठीक है, आगे देखो मिसोगैमिस्ट, अब इसमें भी मिसो, मिसो मतलब मिसेन, और गैमिस्ट, गैमिस्ट, गैमिस्ट में दो वर्ड है, एक है गैमोस, गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज, अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको, गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज यानी कि शादी, और इसमें भी क्या रहा, आईएसटी यानी कि व्यक्ति की बात हो रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करे, भाई मिसेन का मतलब टू हेट, गैमोस का मतलब मैरिज, और आईएसटी का मतलब व्यक्ति, तो एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करे उसे क्या बोलेंगे, मिसोगैमिस्ट। जैसे वन हु हेट्स बीइंग मैरिड, जिसको शादी करने से क्या हो, नफरत हो, या फिर वन हु हेट्स, ये हेट्स है, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से क्या करता हो, नफरत, उसे हम क्या बोलेंगे, मिसोगैमिस्ट। ठीक है, अगला एसेटिक, ये किससे बना है, एस्केटिस से, एस्केटिस मतलब क्या होता है, मंक, अभी बताया था मैंने, मंक मतलब क्या होता है, साधु संन्यासी। तो इसी से एक वर्ड बनता है आपका, क्या बनता है, एसेटिक। एसेटिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, देखो क्या लिखा, वन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है, मतलब किस चीज़ में विश्वास करता है, सेल्फ डिनाइल में। सेल्फ डिनाइल का मतलब स्वत्याग, मतलब वो अपना जीवन जो है ना वो दूसरों की भलाई के लिए या अपना जीवन जो है वो त्याग देता है, कह सकते हो, मतलब अपने सारे जो सुख चैन है, सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, वो त्याग देता है। ऑस्टियरिटी, ऑस्टियरिटी का मतलब होता है संयमी, यानी कि संयम कह सकते हो आप, संयम, एक इंसान जिसमें संयम होता है, संयम का मतलब शांत स्वभाव का जो व्यक्ति होता है। लोनली कंटेम्पलेशन, एक व्यक्ति जो अकेले रहने में विश्वास करे, कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब अकेले रहकर विचार करे, कंटेम्पलेट करे, चीज़ों पर विचार करे, चीज़ों के बारे में सोचे, एंड स्टेज अवे फ्रॉम फ्लैशली एंड अर्थली प्लेजर, और जो हमारे जीवन को सुख सुविधा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं ना उनसे क्या रहे, दूर रहे। मतलब क्या हो गया इसका, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना त्याग कर दे जीवन का, जीवन का त्याग करने का मतलब है सारी चीज़ों से दूर हो जाए, ऐशो आराम से दूर हो जाए, संयम हो उसके अंदर, अकेले विचार करने पर फोकस करता हो, तपस्या करता हो, तप करता हो, या कह सकते हैं ना ध्यान लगाता हो, ठीक है, और सारी जो ऐशो आराम की चीज़ें उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, एसेटिक। ठीक है, याद रखना आपको, बना किससे है ये, एस्केटिस से बना है, एस्केटिस का मतलब क्या होता है, सन्यासी। आगे देखो सम मोर वर्ड्स, ये कुछ और वर्ड्स हैं, अब पर्सनैलिटी टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन आगे कुछ और भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारे भी उन्हीं रूट से बने, जो अभी हम रूट्स पढ़ रहे थे, सफिक्स पढ़ रहे थे, ये सारे वर्ड्स भी उन्हीं से मिलाकर बने। इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ज़रा पढ़ते हैं। देखो पहला वर्ड हमारे पास है ऑल्टरनेट, आपको पता है ऑल्टरनेट किससे बना है, ऑल्टर से, ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, टू स्किप वन, मतलब एक को स्किप कर देना एंड टेक द अदर। देखो मीनिंग में अदर तो आएगा ही आएगा भाई, अगर ऑल्टरनेट वर्ड में ऑल्टर आ रहा है तो इसकी मीनिंग में भी कहीं ना कहीं अदर वाली मीनिंग तो आएगी, अदर वाली सेंस तो आएगी। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा, जैसे आप बोलते हो ना, देखो एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ऑन ऑल्टरनेट संडेज। ऑल्टरनेट संडेज का क्या मतलब है, एक संडे छोड़कर, मतलब अगर मैं एक संडे खेलता हूँ तो फिर अगले संडे नहीं खेलता, स्किप करता हूँ, और फिर अदर संडे यानी कि अगले संडे खेलता हूँ, मतलब एक संडे छोड़ छोड़कर। तो अदर, स्किप वन एंड टेक द अदर, तो इसमें अदर का मीनिंग तो आना चाहिए। एक हो गया आपका ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अदर चॉइस, अब इसमें भी अदर की मीनिंग तो आएगी, और चॉइस मतलब विकल्प, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दूसरा विकल्प। जैसे मैं किसी को बोलूँ आई हैव नो ऑल्टरनेटिव, तो उसकी मीनिंग क्या बन गई कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, यानी कि आई हैव नो अदर चॉइस।
आई हैव नो अदर चॉइस। आगे देखते हैं, ऑल्टरेशन। अब इसमें भी ऑल्टर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होगा, अदर। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी कि चेंज। सीधा कह सकते हो आप चेंज, डायरेक्ट याद रखना है। चेंज का मतलब क्या होता है, देखो, अ चेंज या फिर मेकिंग इनटू समथिंग अदर, मतलब जब आप एक चीज को एक दूसरी चीज बना देते हो, उसी को तो चेंज कहते हैं। एक चीज को मेकिंग इनटू समथिंग अदर, अदर की सेंस आ रही है, एक चीज को कुछ अदर बना दिया, मतलब आपने कुछ दूसरी चीज बना दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। क्या लिखा है देखो, व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स, जब आप अपने प्लान्स को ऑल्टर करते हो, तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, बदल देना, मतलब एक चीज को बदलकर दूसरा कर देना। व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स, व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स, जब आप अपने प्लान्स को ऑल्टर करते हो ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने क्या कर रहे हो, अदर प्लान्स बना रहे हो, क्योंकि ऑल्टर का मतलब भी क्या होता है, अदर। तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी कि चेंज। अगला अगला वर्ड है हमारे पास ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन का क्या मतलब होता है, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अ वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से बातों बातों में लड़ते हो, है ना, मतलब शब्दों में लड़ाई हो रही है आपकी, एक होता है हाथ पैर से लड़ना, एक होता है शब्दों में लड़ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। अब आप कहोगे यहां पर तो कोई अदर का साउंड आया नहीं, ऑल्टर तो आ रहा है लेकिन अदर की सेंस तो आई नहीं। एक बात बताओ, आपका किसी से वर्बल डिस्प्यूट कब होता है, जब आपके विचार कुछ और हो और सामने वाले के जो विचार है वो क्या हो, अदर, यानी कि दूसरे विचार, तो अदर की सेंस तो आ रही है। तो आपका किसी से वर्बल डिस्प्यूट तभी होता है जब आपके विचार और सामने दूसरा व्यक्ति जिससे आपकी बहस हो रही है उसके विचार क्या होते हैं, आपसे अदर होते हैं, यानी कि आपसे अलग होते हैं, तो आपका उससे क्या होता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन को क्या बोलते हैं, वाक युद्ध, ठीक है, यानी कि वर्बल डिस्प्यूट, या फिर वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट, आपका किसी से डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति है, वॉयलेंट वाला यानी कि उग्र काफी ज्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। या फिर कह सकते हो फाइट विद वर्ड्स, शब्दों से लड़ना। अब देखो ये ऐसा होता क्यों, हम भाई शब्दों से क्यों लड़ते हैं, या डिसएग्रीमेंट क्यों होता है, या वर्बल डिस्प्यूट क्यों होता है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि यू हैव अदर आइडियाज, बिकॉज यू हैव, बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, आपका दूसरों से जो डिसएग्रीमेंट होता है वो क्यों होता है, या वर्बल डिस्प्यूट क्यों होता है, क्योंकि आपके आइडियाज, आपके जो आइडियाज है, यू हैव अदर आइडियाज, या फिर ओपिनियन, आपके अलग ओपिनियन है या प्लान्स है, देन दोज, उन लोगों से, ऑफ द पर्सन, देन दोज ऑफ द पर्सन, देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड, मतलब जो दूसरी तरफ आपके हैं जो आपसे बहस कर रहे हैं उनके मामले में आपके जो विचार हैं या आपके जो ओपिनियन है वो अदर हैं, यानी कि दूसरे हैं, तो आपका उनसे क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया या वर्बल डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट। अगला ऑल्टर ईगो, अब इसमें दो वर्ड जुड़ गए, ऑल्टर और ईगो। ऑल्टर का मतलब अदर और ईगो का मतलब क्या होता है, आई, ये आपको पता है। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या हो गया, अदर आई, यानी कि दूसरा मैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लो एक व्यक्ति है जो मेरी तरह ही सोचता है, मेरी तरह ही बात करता है, उसका ओपिनियन मेरी तरह ही है, उसका विचार मेरी तरह है, उसका थॉट ऑफ प्रोसेस मेरी तरह है, ठीक है, तो सारी चीज़ें मेरे से मैच कर रही है ना, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, ही इज माई ऑल्टर ईगो। क्या बोलूँगा मैं, ही इज माई ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब ही इज अदर आई, कि मतलब मैं तो हूँ लेकिन वो भी क्या है, आई, यानी कि मेरी तरह ही है। अदर आई मतलब एक मैं आई और वो क्या है, अदर आई, मतलब मेरी तरह ही एक दूसरा इंसान है, तो वो मेरा क्या है, ऑल्टर ईगो। क्या लिखा है देखो, समवन विद हुम यू आर सो क्लोज, कोई व्यक्ति जिसके साथ आप इतने क्लोज हो, दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स, कि आप दोनों एक ही जैसी चीज़ें करते हो, थिंक अलाइक, क्या बोला मैंने, थिंक अलाइक मतलब एक जैसा सोचते हो, रिएक्ट सिमिलरली, एक जैसा रिएक्शन भी देते हो, एंड ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे के आप कह सकते हो मिरर इमेज हो, तो आप एक दूसरे के क्या हो, ऑल्टर ईगो हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। जैसे यहाँ पर सबसे पहला वर्ड लिखा, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा डेक्स्टरस। अब आपको पता है इसमें एक जो रूट है वो है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, अभी मैंने आपको बताया था राइट हैंड, ये एक लैटिन रूट है, क्या ये लैटिन रूट है, ठीक है, और ओ यू एस हम लगाते हैं क्या करने के लिए, नाउन बनाने के लिए, सॉरी एडजेक्टिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एडजेक्टिव। अब आप कहोगे कि अगर डेक्स्टरस में
डेक्स्टर आ रहा है और OUS आ रहा है, तो डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है और एक एडजेक्टिव बनना चाहिए। अब राइट हैंड से देखो मीनिंग क्या बनती है, डेक्स्टरस की जो रियल मीनिंग होती है वो क्या होती है, स्किलफुल। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, डेक्स्टर का मतलब अगर राइट हैंड है तो मीनिंग भी तो राइट हैंड जैसी बननी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात है, पहले क्या होता था कि जो राइट हैंड वाले लोग होते थे, जो राइट हैंड से सारे काम करते थे ना, उनको माना जाता था ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा स्किलफुल या ज़्यादा बढ़िया। यानी कि हमेशा से राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल या ज़्यादा कह सकते हो अच्छा माना जाता है। ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो खैर दोनों इक्वल है, अब तो कोई ना राइट हैंड वाले को ज़्यादा अच्छा कहता ना लेफ्ट हैंड वाले को बेकार कहता, क्योंकि अब दोनों इक्वल है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि राइट हैंड जो है ना इसको ज़्यादा यूजफुल माना जाता था और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा बेकार माना जाता था, खराब माना जाता था। तो ये पहले से बना हुआ है लैटिन में, ये पहले से रूट रूट बना हुआ है कि डेक्स्टर का मीनिंग तो क्या होता है, राइट हैंड। लेकिन अगर किसी वर्ड में डेक्स्टर आ जाए तो राइट हैंड को क्या मानते थे हम लोग, ज़्यादा योग्य। तो अगर किसी वर्ड में डेक्स्टर आ रहा है तो उसका जो मीनिंग बनेगा वो भी क्या बनेगा, योग्य यानी कि स्किलफुल। तो असल में जो इस वर्ड की मीनिंग होती है, इंग्लिश मीनिंग, वो क्या होती है, वो होती है आपकी स्किलफुल। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, राइट हैंड को ज़्यादा अच्छा माना जाता था जबकि लेफ्ट हैंड को क्या माना जाता था, खराब। तो जिस शब्द के अंदर भी डेक्स्टर आ जाए यानी कि राइट हैंड आ जाए, आप समझ जाना वहां पर कहीं ना कहीं स्किलफुल की या स्किल की बात की जा रही है। तो डेक्स्टरस की मीनिंग क्या होती है, स्किलफुल। लिखा भी है देखो, द राइट हैंड वॉज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द मोर स्किलफुल, कि राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल माना जाता था एंड द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को वॉज कंसिडर्ड लेस स्किलफुल। पहले ऐसा होता था कि राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल मानते थे और लेफ्ट हैंड को कम स्किलफुल। तो जिस शब्द के अंदर डेक्स्टर आ जाए, या फिर एक और वर्ड होता है राइट हैंड के लिए, मैंने बताया था देखो ड्रॉइट, अगर आपको याद हो भी पढ़ा था हमने, ये फ्रेंच रूट होता है, अभी पढ़ा था हमने, पीछे आप जाके देखना इसका मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड। फिर वही बात कि भाई अगर राइट हैंड है तो जिस वर्ड के अंदर ड्रॉइट लगा होगा तो कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग भी क्या आएगी, स्किलफुल। तो ऐसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है एड्रॉइट, तो इसमें ड्रॉइट आ रहा है ना, ड्रॉइट माने राइट हैंड, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो मीनिंग है वो क्या बन जाएगी, स्किलफुल, स्पेशली इन द एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैसिलिटीज। और स्किलफुल आपको पता है किस चीज़ में, मेंटल फैसिलिटीज में, जो यहाँ से तेज है यहाँ से योग्य है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रॉइट। तो अगर आपसे पूछ ले एड्रॉइट की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग क्या है, स्किलफुल, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉइट आ रहा है और ड्रॉइट भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है, राइट हैंड। ये क्या है, फ्रेंच रूट है, ठीक है। तो डेक्स्टर और ड्रॉइट, इन दोनों का मतलब राइट हैंड, तो दोनों की मीनिंग स्किलफुल से रिलेटेड है। ऐसे देखो डेक्सटेरिटी, इसमें भी डेक्स्टर आ रहा है और ITY आ रहा है। अब आपको पता है ITY क्या बनाता है, नाउन बनाता है, ठीक है। तो डेक्स्टर मतलब आपको पता है राइट हैंड, और अगर राइट हैंड है तो कहीं ना कहीं स्किल की बात हो रही होगी, अच्छे की बात हो रही होगी। तो डेक्सटेरिटी का मतलब भी क्या होता है, स्किल, सिंपल खत्म भाई। डेक्सटेरस का मतलब स्किलफुल और डेक्सटेरिटी का मतलब स्किल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो एमबी डेक्सटरस, देखो इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, एक इसमें जुड़ रहा है एमबी, अभी मैंने आपको बताया एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड। और OUS जुड़ रहा है, OUS क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दोनों, बोथ एमबी माने दोनों, उसके जो हाथ है ना दोनों हाथ उसके राइट हैंड की तरह काम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उसके दोनों हाथ राइट हैंड है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बोथ हैंड्स आर राइट हैंड। देखो यहाँ लिखा भी है, फॉर एन एमबी डेक्स्ट्रस पर्सन, भाई एमबी का मतलब दोनों, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ यानी कि राइट भी और लेफ्ट भी, ये दोनों ही राइट हैंड जैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा जिसके अंदर जो प्रोफेसर होता है, जो टीचर होता है मेन, जिसको वायरस कहते हैं, मूवी के अंदर आपने देखा होगा वो एक साथ दो हाथ से क्या कर रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, आपने देखा होगा। यानी कि उस इंसान के लिए उसके जो हाथ है ना दोनों दोनों हाथ उसका राइट हैंड का काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों हाथ जो है ना बराबर स्किलफुल है। जो हाथ वो राइट हैंड से कर पा रहा है, जो काम वो राइट हैंड से कर पा रहा है, वही काम वो लेफ्ट हैंड से कर पा रहा है, जो वो लेफ्ट से कर पा रहा है वही वो राइट से कर पा रहा है, ठीक है। तो एमबी डेक्स्टरस, एमबी का मतलब दोनों, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, और OUS का मतलब क्या है, नाउन है। तो इक्वली स्किलफुल विद बोथ द हैंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का इस्तेमाल बराबर कर सकता है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एमबी डेक्स्टरस। एड्रॉइट मैंने आपको बता दिया। सिनिस्टर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि सिनिस्टर क्या है, एक लैटिन रूट है, क्या है ये, लैटिन रूट। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड, पीछे पढ़ा था हमने, आप देखना जाकर। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, एक लैटिन रूट है ये।
तो अगर मैं सीधा पूछ लूं भाई सिनिस्टर का मतलब बताओ, ये इंग्लिश वर्ड भी है अपने आप में भाई, रूट भी है और सिनिस्टर अपने आप में कंप्लीट एक इंग्लिश का वर्ड भी है, तो मैं आपसे कहता हूँ उसकी मीनिंग बताओ। तो अगर आपको बताया सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, लेफ्ट हैंड को कम स्किलफुल मानते थे या बेकार मानते थे, और कई बार तो माता पिता भी अपने बच्चों को बोलते थे जो लेफ्ट हैंड यूज करते थे, उनको बोला करते थे कि बेटा राइट हैंड को यूज करो, मतलब जानबूझ के मार मार के भी उनके लेफ्ट हैंड की आदत छुड़वाई जाती थी, बुरा माना जाता था। तो अगर मैं सिंपल पूछूं सिनिस्टर का मतलब बताओ, तो इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं बैड होगी, तो उसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है, थ्रेटनिंग यानी कि डराने वाला, इविल यानी कि भयानक, डेंजरस यानी कि खतरनाक। तो सिनिस्टर का मतलब यही होता है। जैसे एक मूवी है हॉरर मूवी सिनिस्टर, आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसका नाम भी सिनिस्टर क्यों है, क्योंकि वो क्या, इविल है या डेंजरस है। तो सिनिस्टर का बेसिकली जो मतलब होता है रूट में, वो होता है क्या, लेफ्ट हैंड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी गॉशे, ये एक फ्रेंच रूट है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, लेफ्ट हैंड, बस ये क्या है, लैटिन रूट है, ये क्या है, फ्रेंच रूट है। तो अगर मैं सीधा पूछूं गॉशे की मीनिंग क्या होगी, तो आपको पता है रूट में इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड। अगर मैं इंग्लिश मीनिंग पूछूं, तो लेफ्ट हैंड आपको पता है क्या मानते थे, बेकार मानते थे, तो उसकी मीनिंग भी क्या निकलेगी, बेकार निकलेगी। तो गौशे की मीनिंग क्या निकलती है, अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम करने का तरीका नहीं है, जो अनसोफिस्टिकेटेड है, तरीके से नहीं करता काम को, या फिर सोशली ऑकवर्ड है, एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा अजीबो गरीब है, ऑकवर्ड सा व्यक्ति है, अजीब व्यवहार करता है, अजीब बर्ताव करता है। तो यानी कि बैड मीनिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि गौशे का मतलब लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है, बेकार चीज़ों से या बेकार होने से। यूज टू इम्प्लाई क्लम्सीनेस, आप गौशे को यूज करते हो जब आपको क्लम्सीनेस को दिखाना होता है, यानी कि बेढंगपने को दिखाना होता है, किसको दिखाना होता है, बेढंगपने को, उसका बोलते हो बेढंगा, क्लम्सी, बेढंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गौशे से क्या बना, गौशरी, गौशे से बना, तो इसकी मीनिंग भी आपको पता है, लेफ्ट हैंड होती है गौशे की मीनिंग, तो गौशरी का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बैड होगा, बेकार होगा। तो इसकी मीनिंग, गौशरी की मीनिंग क्या होती है, ऑकवर्ड, क्लम्जी, टैक्टलेस, जिसके अंदर मतलब चतुराई ना हो या बुद्धिमानी ना हो, ये काम करने का तरीका ना हो, और एम्बेरसिंग वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, या चीज़ों को हैंडल करने का जो एक तरीका है, लेकिन ऐसा तरीका जो कि काफ़ी एम्बेरसिंग है, मतलब जो दूसरों को एम्बेरस कर सकता है। तो ऐसा तरीका अगर आपको बताना है जो ख़राब है, या बेकार तरीका, या ऐसा तरीका जो एम्बेरसिंग है, जो लोगों को एम्बेरस करता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, गौशरी, क्योंकि बना किससे, गौश। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका एंथ्रोस, एंथ्रोस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, और एक आपका आ रहा है लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है, लोगोस का ये मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, या फिर साइंस या विज्ञान कह सकते हो, और जब आप इसको इंग्लिश में यूज़ करते हो तो क्या बन जाता है, लॉगी या लॉजी, जैसे बायोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो अलग अलग वर्ड्स हैं जो लॉजी से बनते हैं, तो लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो एक बना एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, मानव, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, जब आप मानव जाति का विकास कि कैसे हुआ, विकसित कैसे हुई मानव जाति, जब आप उसकी स्टडी करते हो, स्टडी माने लोगोस, स्टडी करते हो किसकी, मानव जाति की, स्टडी करते हो मानव जाति की, तो क्या बन गया, एंथ्रोपोलॉजी, सिंपल है। और जो करने वाला व्यक्ति है, अध्ययन करने वाला, उसे क्या बोलोगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैंने बताया था ना, IST लगा दोगे व्यक्ति को दिखाने के लिए, तो क्या बन जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था ये, कि फिलेन भी एक रूट वर्ड है, फिलेन का क्या मतलब होता है, फिलेन का मतलब होता है टू लव, ठीक है, फिलेन, फिलेन का मतलब होता है क्या, टू लव, टू लव, ठीक है। तो एक इसके अंदर फिलेन आ रहा है, एक एंथ्रोपोस यानी कि वही मानव जाति, और IST का मतलब आपको पता ही है, व्यक्ति। तो फिलेन यानी कि लव, यानी कि लव करना या अच्छा मानना या लाइक करना, एंथ्रोपोस का मतलब मानव, और IST मतलब करने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करता है, प्रेम, जो मानव जाति का भला करना चाहता है, इसीलिए वो डोनेशंस भी करता है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता है, और चाहता है कि लोग डेवलपमेंट करें, ठीक है, लोग डेवलप्ड हों, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे रतन टाटा साहब है हमारे, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आपको पता है, बहुत ज़्यादा डोनेशंस देते हैं, अजीम प्रेम जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, सोनू सूद हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानव जाति से प्रेम करते हैं, मानव जाति का भला चाहते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला, गायनेकोलॉजिस्ट, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है वर्ड, इसके अंदर एक आपका आ रहा है गायनी, गायनी मतलब वुमन, लोगोस का मतलब भी मैंने आपको बताया, लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और इस्ट का मतलब, IST का मतलब करने वाला या करने वाली। तो एक व्यक्ति या एक लेडी जो
अध्ययन करती है गायनी, गायनी मतलब औरतों की या औरतों से रिलेटेड बीमारियों की। तो एक डॉक्टर या एक स्पेशलिस्ट जो स्पेशली महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनको स्टडी करने वाली और उनका इलाज करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि गायनी का मतलब वुमेन और लोगोस का मतलब अध्ययन, तो वुमन की जो बीमारी होती है, समस्या होती है, उसको अध्ययन करके उसका इलाज करने वाले जो एक्सपर्ट हैं उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। आगे देखो क्या लिखा है, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स, जो औरतों की बीमारी को ठीक करने वाले मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला मोनोगेमी। मोनोगेमी के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका मोनोज। अभी मैंने आपको बताया था मोनोज का मतलब क्या होता है, एक। ऊपर पढ़ा था ना हमने मोनोज का मतलब क्या होता है, एक। और गैमोस, गैमोस है, गैमोस हमने क्या पढ़ा था, गैमोस का मतलब क्या होता है, शादी। ये सारे रूट्स हैं जो मैं ऊपर पढ़ के आए हैं। तो मोनोगेमी को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब मोनोस को और गैमोस को अगर मैं जोड़ दूं तो एक वर्ड बनता है मोनोगेमी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या मतलब है, तो आपको पता है मोनोस का मतलब एक, गैमोस का मतलब शादी। तो मोनोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, मतलब केवल एक विवाह का जो कस्टम होता है, एक रिवाज जिसमें केवल एक शादी अलाउड होती है, या एक शादी होती है एट ए टाइम, एक बार में एक शादी। तो ऐसे रिवाज को या ऐसे प्रचलन को, ऐसे कस्टम को हम क्या बोलते हैं, मोनोगेमी। क्या बोलते हैं, मोनोगेमी। अगला अगला है बाईगेमी। बाईगेमी किस किससे बना है, एक बना बाई से, बाई का मतलब क्या होता है, दो, ऊपर हमने पढ़ा अभी, और गेमोस का मतलब शादी। तो बाईगेमी का मतलब क्या हो गया, दो शादियां। अब चाहे एक लड़की दो लड़कों से शादी कर रही है, या चाहे एक लड़का दो लड़कियों से शादी कर रहा है तो वो दो ही शादी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईगेमी, यानी कि टू मैरिजेस। द स्टेट ऑफ बींग मैरिड, मतलब शादीशुदा होना टू टू पीपल, दो लोगों से एट द सेम टाइम, मतलब एक ही बार में दो लोगों से, जब आपकी शादी है लड़के की दो लड़कियों से या लड़की की दो लड़कों से, तो ऐसी प्रथा को या ऐसे कस्टम को हम क्या बोलते हैं, बाईगेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी किस किस से बना है, एक पॉलीज, पॉलीज का मतलब क्या होता है, मैनी, और गैमोस का मतलब शादी। तो पॉलीगेमी का मतलब क्या हो गया, मैनी मैरिजेस, यानी कि एक साथ जब आपने कई सारी शादियां कर ली। ठीक है, अब चाहे लड़की लड़कों से करे, चाहे लड़के लड़कियों से करे, है तो बहुत सारी शादी होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी। किसी के लिए भी लगा सकते हो, फीमेल के केस में भी और मेल के केस में भी। जैसे पुराने समय में क्या होता था, कई सारे राजा महाराजा होते थे जो कई कई शादियां कर लिया करते थे, 16 16, 18 18, 20 20 शादियां किया करते थे, तो उस कस्टम को क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। मैनी मैरिजेस, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस। स्पाउसेस का मतलब, स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ। तो मतलब एक सारे कई सारे हस्बैंड्स होना, या कई सारी क्या होना, वाइफ होना, मतलब शादी करना एक साथ कई सारे हस्बैंड से या एक साथ कई सारी वाइफ से, तो उसे बोलते हैं पॉलीगेमी। एक है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी किससे बना है, पॉलीज और गाइनी। गाइनी का मतलब वुमन, ऊपर आपने पढ़ा, और पॉलीज का मतलब बहुत सारी, यानी कि मैनी। तो जब आप एक साथ कई सारी वुमन, देखो पॉलीगेमी आप लड़का लड़की दोनों के लिए लगा सकते हो, लेकिन स्पेशली जब आप एक लड़के को इंडिकेट कर रहे हो कि एक लड़का है या एक आदमी है जिसने कई सारी लड़कियों से शादी कर रखी है, या एक ऐसी प्रथा बता रहे हो जिसमें एक लड़का कई लड़कियों से शादी कर सकता है, तो वहां पर स्पेशली आप लड़के की बात कर रहे हो जो लड़कियों से शादी कर रहा है, यानी कि एक साथ कई सारी पत्नियां वो रख सकता है, या कई सारी पत्नियों से वो शादी कर सकता है, तो वहां पर स्पेशली आप क्या बोलोगे, पॉलीगाइनी। ठीक है, या पॉलीजिनी, क्या बोलोगे, पॉलीजिनी, क्योंकि पॉलीजिनी में दो शब्द जुड़े, पॉलीज और गाइनी, तो स्पेशली गाइनी आ रहा है। तो गाइनी का स्पेशली मतलब यही है कि एक साथ जब आपकी कई सारी पत्नियां हैं, मैरिंग मल्टीपल वुमन, कई सारी वुमन से एक साथ शादी करना, या हैविंग टू और मोर वाइफ्स, जब दो या दो से ज्यादा पत्नियां होती हैं, स्पेशली पत्नियों के केस में आप लगाते हो क्या, पॉलीगाइनी। अब मान लो एक स्त्री है जिसके कई सारे पति हैं, तो आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे पॉलीएंड्री। क्यों, क्योंकि पॉलीज का मतलब बहुत सारे, और एंड्रोस हमने पढ़ा रूटवर्ड में, पीछे जाके आप देखो एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल, यानी कि पुरुष। गाइनी का मतलब वुमन, तो भाई पॉलीगाइनी मतलब जब एक आदमी बहुत सारी औरतों से एक साथ शादी करता, तो पॉलीगाइनी या पॉलीजिनी, और जब एक औरत बहुत सारे आदमियों से शादी करती है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। मैरिंग मल्टीपल मैन, कई कई सारे आदमियों से शादी करना, या फिर हैविंग टू और मोर हस्बैंड्स, या फिर दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड्स होना, इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। आई होप कि जितना भी मैंने आपको ये पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3, क्योंकि जो बुक्स हैं ये अलग अलग सेशंस में बटी हुई है, तो
तो आज मैंने आपको पूरा सेशन 1, 2, 3 एक ही वीडियो के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर मैंने कंप्लीट करा दिया। मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, आगे भी इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। बस आज की क्लास देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि रूट वर्ड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम वो याद कर लेते हैं तो बहुत सारी वोकैबुलरीज ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाती है, और अगर याद ना भी हो, हमारे सामने वो वर्ड आ जाए तो देख कर हमें पता लग जाता है कि अगर इस रूट का ये मतलब है तो इस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं यही होगा, और आप ऑप्शन देख कर ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूँगा, तब तक आप वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को नोट करो। इसकी PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन करो। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।